Good morning, students. This is Shashi Verma, your English teacher. And today we are going to read a new chapter named The Luncheon, and it is written by Somerset Maugham. So let's start reading it. So first of all, we talk about its author. William Somerset Maugham, he was born on 1874 and died on 1965. He was an eminent novelist, playwright, short story writer, travel writer, autobiographer, and essayist. So eminent means famous. Eminent hota hai famous. तो एक बहुत famous वो novelist थे, playwright. Playwright means dramas लिखते थे, short stories भी उन्होंने लिखी और ट्रैवल भी उन्होंने लिखी. बहुत सारी ट्रैवल को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया. एंड ऑटोबायोग्राफर थे, उन्होंने बहुत ऑटोबायोग्राफी यानी किसी पर्सन के बारे में भी, लाइफ के बारे में लिखा. एंड एसेस्ट, और बहुत सारे एसेज भी उन्होंने लिखे. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स इन इंग्लिश इन द 20th सेंचुरी. और वो 20th सेंचुरी के एक पॉपुलर राइटर्स में से थे. And is noted for his clarity of style and skill in storytelling. और वो किस बात के लिए जाने जाते थे? अपनी जो उनके लिखने का स्टाइल था, उसकी क्लैरिटी और स्टोरी टेलिंग की जो स्किल थी, उसके लिए वो जाने जाते थे. ओके. हिज पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूड द वर्जर, द आंट इन द ग्रास होपर, मिस्टर नो ऑल एंड द ट्रेटर. सो ये इनकी बहुत पॉपुलर स्टोरीज हैं. ओके. दिस इज़ अबाउट द ऑथर. सो दिस इज़ अ प्री रीडिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग लेसन. I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. सो क्या कहा गया है इसमें कि आई कॉट साइट ऑफ हर. साइट ऑफ हर का मतलब होता है लुक. ओके. सो यहाँ पर वो कहना चाहती हैं कि आई लुक्ड हर एट द प्ले. कि हर मीन्स किसी गर्ल की बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है. तो जब भी वो कहती हैं कि मैंने उसको देखा, कहाँ देखा? प्ले में. एंड इन आंसर टू हर बैकनिंग. बैकनिंग होता है हाथ से इशारा करना, हाथ हिलाना या फिर गर्दन हिलाना, इसको हम बैकनिंग कहते हैं. आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल. अब वो जब प्ले में इंटरवल हुआ, सो उस समय वो उसके पास गए और उसके बिसाइड मीन साथ, उसके साथ वो बैठ गए. इट वॉज लॉन्ग, और वो कहते हैं कि ये बहुत लंबा समय था. सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था. एंड इफ़ समवन हैड नॉट मैंशनड हर नेम, और यदि किसी ने उसका नाम मैंशन नहीं किया होता, आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकोगनाइज्ड हर. वो कहते हैं कि मैं हार्डली थिंक, हार्डली हम यूज़ करते हैं किसी बहुत ही मीन्स लेस पॉसिबिलिटी वाले काम के लिए हम हार्डली यूज़ करते हैं. तो वो कहती हैं कि बहुत ही लेस पॉसिबल था कि मैं उसको रिकग्नाइज मीन्स पहचान पाता. ही एड्रेस्ड मी ब्राइटली, और वो कहती हैं कि शी कि उसने मुझे बहुत ब्राइटली एड्रेस किया, यानी कि वो उसके बारे में जानती थी. ओके. सो इस लेसन में हमें बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस मिलेंगे. कंडीशनल वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करते हैं. ओके. इफ़ का यूज़ करते हैं. सो बहुत सारे इफ़ वाले सेंटेंसेस यहाँ पर हमें मिलेंगे. ये भी जो हमने पढ़ा है, हार्ड वुड हैव, और सो ये भी कंडीशनल थ्री है आपका. ठीक है. यस. वेल, इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मैट.
अब वो कहते हैं कि बहुत सालों पहले हम फर्स्ट टाइम मिले थे. हाउ टाइम डज फ्लाई. अब टाइम फ्लाई नहीं कर रहा है, वो बता रहे हैं कि हाउ टाइम डज फ्लाई, कि टाइम कैसे चला जाता है. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, और अब हम में से कोई भी यंगर नहीं होने वाला है. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो यू, यू आस्क्ड मी टू लंचन. फिर लेडी कहती है, ये लेडी के ही वर्ड्स हैं, वो कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें देखा था. सो एंड और तुमने मुझे लंचन मीन्स लंच के लिए पूछा था. अब ऑथर अपने आप को क्वेश्चन करता है, डिड आई रिमेंबर, कि क्या मुझे याद था. देन इट वॉज 20 years ago आई वॉज लिविंग इन पैरिस. अब वो कहते हैं कि 20 साल पहले की बात है, 20 years पहले की बात है, जब वो पेरिस में रहते थे. आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लेटिन क्वार्टर लुकिंग ओवर लुकिंग अ सिमेट्री एंड आई वॉज अर्निंग बियरली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. अब वो कहते हैं कि मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, और कहाँ, इन द लेटिन क्वार्टर, एक लेटिन क्वार्टर्स हैं वहाँ पर वो रहते थे, और लुकिंग अ सिमेट्री मीन्स उनके साथ में ही सिमेट्री होता है, ग्रेवयार्ड, सो साथ में ही कोई सिमेट्री थी, ठीक है. एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी. अब वो टू कीप माई बेयरली इनफ मनी मीन्स की बहुत थोड़ा पैसा वो कमा पाते थे, कि हार्डली मुश्किल से ही वो पैसा कमा पाते थे. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर फ्रेज है यहाँ पर. इसका मीनिंग है कि अपनी मीन्स लाइवलीहुड के लिए मुश्किल से ही, अपने लाइवलीहुड के लिए वो मुश्किल से ही मनी कमा पाते थे, ठीक है. सो she had read a book of mine and had written to me about it. अब वो कहती हैं कि कैसे, अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे उस लेडी से उसकी मुलाकात हुई. तो वो कहती हैं उसने मेरी कुछ बुक्स पढ़ी थी और उसने मुझे लेटर लिखा. आई आंसर थैंकिंग हर एंड प्रेजेंटली आई रिसीव फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी. अब वो कहती हैं कि मैंने उसका आंसर किया, उसको थैंक्स किया बुक्स के लिए, बुक्स रीड करने के लिए. बट प्रेजेंटली, अब अभी पास्ट की ही बात हो रही है, वो 20 साल पहले की ही बात वो बता रहे हैं. अब वो अपनी मेमोरीज में चले गए हैं और हमें वहाँ से अपने मेमोरीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है. जो 20 years पहले जो घटा था उसके बारे में वो हमें बता रहे हैं कि उसने लेटर का आंसर किया, बट उस लेडी से फिर एक लेटर आता है और वो उन्हें बताती है कि वो पेरिस से होकर गुजर रही है और वो उनसे टू हैव अ चैट विद मी, और वो मुझसे चैट करना, बातें करना चाहती है. बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे. और उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और जो थोड़ा बहुत भी फ्री टाइम है वो थर्सडे को ही उसके पास है. शी वॉज स्पेंडिंग द मोमेंट विद एट द लग्जमबर्ग एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फुएट्स आफ्टरवर्ड्स. और वो बताते हैं कि वो अपनी मॉर्निंग लग्जमबर्ग में स्पेंड करेगी. और अब वो अपने आप से पूछते हैं, वुड आई गिव हर, क्या मैं उसको फोएट्स में एक लंच दूँ. फोएट्स इज अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेनेटर्स ईट. अब वो कहते हैं कि फोएट क्या है. फोएट एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर जो फ्रेंच सेनेटर्स होते हैं, सेनेटर्स होते हैं मेंबर्स ऑफ द सीनेट, मीन्स सीनेट मीन्स असेंबली. सो इट मीन्स बहुत एक्सपेंसिव वो रेस्टोरेंट है. और अब वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाने का भी नहीं सोच सकता. एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स. अब वो कहते हैं मीन्स यानी जो उनकी कमाई का साधन है, यानी उसकी अप्रोच से भी वो बहुत दूर है
दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर. वो कहते हैं मैं वहाँ पर जाने का सोच भी नहीं सकता. बट आई वॉज फ्लैटर्ड. फ्लैटर्ड होता है चापलूसी करना, किसी का प्रेज करना. तो वो कहते हैं कि मुझे फ्लैटर किया गया. एंड आई वॉज टू यंग टू हैव ऑन टू से नो टू अ वुमेन. और वो कहती हैं कि अभी मैं इतना मीन्स मैं इतना यंग हूँ कि मुझे किसी वुमेन को नो करना नहीं आता. सो वुमेन ने उसको लंच के लिए कहा तो उन्होंने फॉयट्स ऑफर किया. सो पर फॉयट्स बहुत एक्सपेंसिव है उनके लिए. अब वो थोड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हैं. आई हैड 80 फ्रेंक्स इट लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ एंड अ मोडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15. अब वो कहते हैं कि मेरे पास अब पूरे मंथ के लिए 80 फ्रेंक्स है. फ्रेंक्स जो है जैसे हमारे यहाँ पे रुपीस हैं, वहाँ पर फ्रेंक्स करेंसी है. तो वो कहते हैं मेरे पास 80 फ्रेंक्स हैं इस पूरे मंथ के खर्चे के लिए. यानी पूरा मंथ उनको 80 फ्रेंक्स में ही स्पेंड करना है. और फिर वो कहते हैं कि एक मॉडेस्ट लंच यानी एक मीन्स ना बहुत ज़्यादा सस्ता ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. यानी एक यदि मॉडेस्ट हम उस पर खर्चा करें तो एक 15 फ्रेंक्स तक का हम लंच कर सकते हैं. इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ. वो अपना ही हिसाब लगा रहे हैं कि यदि मैं 2 वीक्स के लिए कॉफ़ी को कट कर दूँ मीन्स कॉफ़ी ना पीऊँ तो मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ. ओके देन आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड. अब उन्हें आंसर करना था उसके लेटर का. तो वो कहते हैं मैंने उसको आंसर किया. आई आंसर्ड कि मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगा बाई कॉरस्पॉन्डेंस एट फोइट्स ऑन थर्सडे एट 12:30. ठीक है, ये उन्होंने उसको कॉरेस्पॉन्डेंस होता है उन्होंने लिखकर ये मैसेज उनको कन्वे कर दिया. शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रादर देन अट्रैक्टिव. अब जब वो उनसे मिलते हैं अब वो उसको देखकर उनको लगा तो ये था कि वो कोई यंग गर्ल होगी. बट वो कहते हैं कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वो उतनी यंग नहीं थी. और अपीयरेंस में यानी दिखने में वो इम्पोजिंग थी रादर देन अट्रैक्टिव. इम्पोजिंग मीनिंग होता है इम्प्रेसिव. यानी उसका जो अपीयरेंस था वो इम्प्रेसिव था, इम्प्रेस करने वाला था बट अट्रैक्टिव नहीं था. ओके, शी वॉज इन फैक्ट अ वुमेन ऑफ 40. अब वो कहती हैं कि वो 40 की एज की वुमेन थी. शी वॉज टॉकेटिव, बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बोलती थी. बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बी एन अटेंटिव लिसनर. पर उन्होंने कहा कि क्योंकि वो मेरे बारे में बात कर रही थी ओके, तो इसीलिए मैं उसको सुनने के लिए बहुत अटेंटिव था. यानी बहुत एक्टिवली मैं उससे चैट में पार्टिसिपेट कर रहा था. आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉट. अब वो रेस्टोरेंट चले जाती हैं और वहाँ पर बिल ऑफ फेयर मीन्स मेन्यू, जो रेट लिस्ट होता है और उसको मेन्यू कहते हैं, तो वो उनको दिया जाता है. स्टार्टल्ड होता है अमेज्ड. अब वो कहते हैं मैं बहुत अमेज होता हूँ, आश्चर्यचकित होता हूँ जब मेरे पास मेन्यू आता है, जब मेन्यू लाया जाता है. फॉर द प्राइसेस वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड. एंटिसिपेटेड मीन्स इमेजिन्ड थॉट, कि जो मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा प्राइस यहाँ पर हायर है. बट शी रीअश्योर्ड मी, परंतु कुछ और वो सोचते उससे पहले लेली ने उन्हें रीअश्योर किया. क्या रीअश्योर किया देखते हैं. एंड इट्स क्वाइट फनी. I never eat anything for luncheon, she said. अब वो कहती है कि मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती हूँ. ओह डोंट से दैट आई answered generously. और ये सुनकर उन्होंने generously आंसर किया कि अरे ऐसा नहीं कहो. I never eat more than one thing. I think people eat far too much nowadays. A little fish perhaps. I wonder if they have any salmon. अब उस लेडी का जो ऑर्डर है अब वो स्टार्ट हुआ है देना. अब देखते हैं वो क्या क्या ऑर्डर करती है.
और वो बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड वे में बोलती है कि मैं लंच में एक चीज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं, एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ। और आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि पीपल आज मीन्स नाउडेज, आजकल पीपल इतना ज़्यादा कैसे खा लेते हैं। ओके अब वो आगे बताती है कि क्या हो ऑर्डर है उसका, अ लिटिल फिश, कि एक छोटे से फिश परहैप्स शायद मैं खा लूँगी, और मुझे वंडर होगा यदि इनके पास सालमन होगी, तो सालमन इज़ अ काइंड ऑफ फिश एंड दैट फिश इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ओके एंड दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, सो वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सालमन। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन है इसका, वो कहती हैं कि सालमन का ये अर्ली टाइम है, यानी उसके सीज़न सीज़न का टाइम ये नहीं है, एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, वो मेन्यू में भी नहीं है, बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देर वॉज एनी। अब वो कहते हैं मैंने वेटर से पूछा कि क्या उनके पास कोई है। यस अ ब्यूटिफुल सालमन हैड जस्ट कम इन। अब वेटर बताते हैं कि एक ब्यूटिफुल सालमन अभी उनके पास आई है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड हैड, और वो कहते हैं कि ये फर्स्ट सालमन है जो आप ले रहे हैं। आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट, अब वो कहते हैं कि मैंने इसको अपने गेस्ट के लिए ऑर्डर कर दिया। द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग वाइल आई वॉज बीइंग कुक्ड। अब जब तक सालमन बनता है तो वेटर आके पूछता है कि जब तक सालमन बनता है क्या आप कुछ और ऑर्डर करेंगे। नो शी आंसर्ड, उन्होंने उसने मना किया, नहीं, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग अनलेस यू हैड अ लिटल कैविया, आई नेवर माइंड कैविया। अब वो वैसे तो मना करती है, ठीक है, बट मना करने के साथ साथ वो एक और बात डाल देती है कि और उसका ये पैट सेंटेंस है जो आप बार बार सुनेंगे इस सेंटेंस को, कि आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती हूँ। ओके और अब उसका ऑर्डर है कि अनलेस इफ़ यू हैड, यदि तुम्हारे पास कैवियार है तो ठीक है मैं कैवियार खा लूँगी। बहुत कैजुअली वो इस बात को बोलती है, बट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे। देन माई हर्ट सैंक अ लिटल, सैंक होता है डूब जाना, अब वो इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंक। ओके अब ऑथर कहते हैं कि मेरा जो हर्ट है अब वो सेंक कर गया, यानी कि अब उन्हें खतरा हो गया कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, एंड कैवियार भी बहुत एक डिश है जो कि फ़िश एग से बनाई जाती है, ठीक है, और वो बहुत कॉस्टली आती है। सो आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियार, अब वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं कैवियार अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आई कुड नॉट वेरी वेल tell her that I told the waiter by all means to bring caviar. अब वो कहती हैं कि मैं caviar afford नहीं कर सकता, और मैंने हर तरह से waiter को समझाने की कोशिश की कि वो लेकर आए, means यहाँ पर थोड़ा सा ये कहा गया है कि मैंने हर तरह से उसको इशारा किया कि वो caviar ना लेकर आए for myself, but openly वो उसको नहीं बोल सकते थे। For myself, I choose the cheapest dish on the menu and that was a mutton chop. अब वो कहते हैं मैंने अपने लिए जो ऑर्डर किया एक सबसे सस्ती डिश मैंने ऑर्डर की और वो थी मटन चॉप। I think you are unwise to eat meat. अब लेडी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मीट खाने में अनवाइज हो यानी कि तुम ढंग से, यानी तुम्हारा जो डिसीज़न है वो अनवाइज है, वो इंटेलिजेंट डिसीज़न नहीं है। ओके शी सेड, उसने कहा आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स, आई डोंट बिलीव इन ओवर लोडिंग माई स्टमक। अब वो क्या कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कैसे इतना हैवी खाने के बाद अपना काम कर लेते हो, और कैसे तुम अपने स्टमक को मीन्स इतना ओवरलोड करते हो, ठीक है। देन
केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक. अब चलो ये हो गया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, कैवियार भी एक स्नैक्स की तरह से उनके पास अभी आ रहा है, वो भी ऑर्डर हो गया है. अब एक ड्रिंक का क्वेश्चन होता है कि ड्रिंक क्या लेंगे. आई नेवर थिंक एनीथिंग फॉर लंच, शी सेड. अब वो कहती है कि नहीं, मैं लंच में कोई ड्रिंक नहीं लेती हूँ. सो ऑथर थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, बट आगे क्या होता है. Neither do I answered promptly. Promptly means immediately. वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी जो है मैं भी कुछ नहीं लेता हूँ. तो उन्होंने सोचा कि चलो इतना पैसा मेरा बच जाता है. Except white wine, she proceeded as though I had not spoken. अब उन्होंने, क्योंकि ऑथर ने भी मना कर दिया, तो अब लेडी सोचती है कि अरे इसने भी मना कर दिया तो ड्रिंक तो लेना ही है. तो वो कहती है कि ठीक है हाँ, वाइट वाइन मैं ले सकती हूँ. द फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट. अब वो कहती है कि फ्रेंच वाइट वाइन जो है वो बहुत लाइट होती है. एंड दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, और डाइजेशन के लिए वो बहुत वंडरफुल होती है. What would you like? I asked a hospitable still, but not exactly effusive. अब वो कहती हैं कि ठीक है, अब बहुत ही मीन्स एक वेलकमनेस या फ्रेंडलीनेस वे में. अब वो कहते हैं कि फ्रेंडलीनेस तो मैं हूँ, बट एफ्यूजिव मीन्स एंथुजियास्टिक नहीं हूँ उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए या इस लंच के लिए. बट वो फिर भी एक मीन्स ऑनर में, रेस्पेक्ट में उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम क्या लेना चाहते हो. लेडी से पूछते हैं वो. शी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ. अब वो उसकी तरफ स्माइल करती है, और सिंपल सी चीज़ है देखिए कि शी गेव मी अ स्माइल, और उन्होंने एक बड़े अट्रैक्टिव वे में इस बात को लिखा है. शी गिव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल. एमिकेबल होता है लवली. फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ, कि उसने इस तरह से उन्हें स्माइल किया. माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन. अब वो कहती है मेरे डॉक्टर ने मुझे मतलब कुछ भी नहीं पीने देते एक्सेप्ट शैम्पेन, कि मैं शैम्पेन ले सकती हूँ. अब शैम्पेन भी एक ड्रिंक है जो कि बहुत कॉस्टली आती है, ठीक है. आई फैंसी, अब यहाँ पे इमेजिन्ड को, कि अमेज्ड को उन्होंने फैंसी लिखा हुआ है, ठीक है. अब वो फिर से चकरा जाते हैं कि ये नेक्स्ट जो ड्रिंक है ये भी बहुत कॉस्टली होने वाला है. तो आई टर्न द ट्रिफल पेल. वो ट्रिफल मीन्स स्लाइटली. अब आप पेन कॉपी या पेंसिल आपके पास है, आप अपनी नोटबुक में बुक में साथ साथ मीनिंग्स नोट डाउन करते जाएं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर बताए जा रहे हैं, ठीक है. वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा पेल, यानी कि अब वो मीन्स अब उन्हें डर लगने लगा है. जैसे हम कहते हैं कि डर से पीला बढ़ जाना, तो यहाँ पे वही कहते हैं कि अब मैं पीला होना शुरू हो गया, यानी कि उन्हें अब डर लगना शुरू हो गया कि वो कैसे बिल को पे करेंगे. आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल, और उन्होंने हाफ बॉटल पे ऑर्डर किया. आई मेंशन कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन. अब वो कैजुअली अपने आप को इस कंडीशन से बचाते हुए बोलते हैं कि क्योंकि उन्होंने हाफ बॉटल ही ऑर्डर किया है, तो बट उसका रीज़न वो दे रहे हैं कि मेरे डॉक्टर ने मुझे शैम्पेन पीने से मना किया हुआ है. वट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन. अब वो लेडी पूछती है कि तो अब तुम क्या पीने वाले हो. तो वो सिंपली बोलते हैं वट. देन शी एट द कैवियर एंड शी एट द सालमन. ओके, देन शी एट द सालमन. शी आस्क्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक. अब थोड़े से आगे जो है डिस्कशन स्टार्ट होता है, कि अब वो बताते हैं हमें ऑथर कि उसने कैवियार भी खा लिया जो कि बहुत कॉस्टली था, उसने सालमन भी खाया, और गैली मीन्स चीयरफुली, और उन्होंने बहुत हंस हंस के आर्ट और लिटरेचर और म्यूज़िक की बातें मुझसे की. बट आई वॉन्डर्ड, पर वो जब ये सब कर रही थी तो ऑथर का माइंड कहाँ पर था, ठीक है. आई वॉन्डर्ड, पर वो कहते हैं कि मैं आश्चर्यचकित था वट द बिल वुड कम टू, कि बिल क्या आने वाला है.
when my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. अब जब उनका मटन चॉप टेबल पर आता है तो वो एक बहुत ही सीरियस गंदी सी लुक उनको देती है. आई सी, और क्या वो उनको कहती है, आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचन. वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम एक हैवी लंच लेने की हैबिट में हो. आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक. व्हाई डोंट यू फॉलो माय एग्जांपल, जस्ट ईट वन थिंग. आई एम श्योर यू'd फील ever so much better for it. अब वो कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते, मेरा एग्जाम्पल फॉलो क्यों नहीं करते हो. जैसे मैं लंच में एक चीज़ खाती हूँ वैसे तुम भी एक ही चीज़ खाओ, और जिससे कि तुम्हें बेटर लगेगा. अब उसकी एक चीज़ हमने देखी है, यस उसने अभी तीन चीज़ें वो वहाँ पर ले चुकी है. देन इट्स अ फनी थिंग फॉर दैट लेडी. देन The author said, I'm only going to eat one thing. Sorry, that lady said, I'm only going to eat one thing, I said. And the waiter came again with the bill of fare. अब author सोचते हैं कि मैं तो केवल एक ही चीज़ खाने वाला हूँ, पर फिर वेटर आता है बिल ऑफ फेयर के साथ मेन्यू लेकर. She waved him aside with an airy gesture. अब वो उसकी तरफ देखती है और मीन्स उसको इशारा करती है. नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन. फिर वो कहती है कि नहीं नहीं मैं लंच के लिए और कुछ नहीं खाती हूँ, जस्ट अ बाइट, केवल एक बाइट ही लेती हूँ. आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज फॉर कन्वर्सेशन दैट एनीथिंग एल्स. अब वो बार बार में ये कह रही है कि मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती हूँ, केवल एक ही चीज़ खाती हूँ, पर यहाँ पे जितना भी उसने कुछ खाया है वो एक्सक्यूज़ उसका क्या दे रही है कि ये तो केवल कन्वर्सेशन के लिए, कि भाई हम दोनों बैठकर बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रही है, तो उसके लिए उसने ये थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है. आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर, कि मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं खा सकती. अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जायंट एस्पैरेगस, I should be sorry to leave Paris without having some of them. अब वो कहती है कि यदि इनके पास giant asparagus है, asparagus होता है, it's a kind of leaf, okay? It's a kind of leaf. और उसकी shoots जो हैं वो भी as a vegetable हम use करते हैं, okay? So, अब वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होगा यदि मैं Paris मैं आऊँ और एस्पैरेगस वहाँ के ना खाऊँ. देन माई हर्ट सैंक, आई हैड बीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव. माई माउथ हैड ऑफन वॉटर्ड एट द साइट ऑफ देम. मैडम वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव एनी ऑफ दोज जायंट एस्पैरेगस, आई आस्क द वेटर. अब वो कहते हैं एस्पैरेगस का नाम सुन के मेरा दिल जो है वो और ज़्यादा सैंक हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने शॉप्स में एस्पैरेगस देखा है, वो बहुत हॉरिबली, हॉरिबली में डरावना नहीं है यहाँ पे, हॉरिबली एक्सपेंसिव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एस्पैरेगस. और पर वो कहते हैं कि उसको देख कर मेरे मुँह में भी पानी आता था, पर क्योंकि वो ख़रीद नहीं सकते थे इसीलिए उन्होंने कभी उसको टेस्ट नहीं किया था. अब वो वेटर को बुला के कहते हैं कि मैडम पूछ रही हैं कि क्या आपके पास जायंट एस्पैरेगस है. आई ट्राइड विद ऑल माई माइट टू विन हिम टू से नो. अब वो कहते हैं कि मैंने पूरी तरह से कोशिश की कि वो इसको मना करे. अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रिस्ट लाइक फेस and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel. अब कहते हैं बट उनकी कोशिश फेल गई. वेटर ने बहुत एक ब्रॉड स्माइल के साथ कहा कि हाँ हमारे पास है, बहुत बड़ी है, बहुत स्प्लेंडेड है, so tender, बहुत ही tender means बहुत ही soft है, and इट वॉज़ मावल, और वो बहुत ही मावल है, यानी कि बहुत ही अच्छी एस्पैरेगस उनके पास है. ओके
अब यहाँ पे सो लार्ज, सो स्प्लेंडेड, सो टेंडर क्यों कहा गया है यहाँ पे एस्पैरेगस के ऊपर, थोड़ा सा मीन्स एम्फेसिस करने के लिए बार बार में सो वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। आई एम नॉट इन अ लिस्ट हंग्री माई गेस्ट साइड बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माई हैविंग सम एस्पैरेगस। अब वो कहती हैं कि नहीं, मैं बहुत कम, मुझे कोई ज़्यादा भूख नहीं लगी है, और एक लंबी सांस लेते हुए वो कहती है, बट यदि तुम इंसिस्ट करते हो, यानी तुम मुझे प्रेशराइज करते हो खाने के लिए, तो ठीक है मैं कुछ एस्पैरेगस खा लूँगी। आई ऑर्डर्ड देम, मैंने उन्हें ऑर्डर किया। आरेंट यू गोइंग टू हैव एनी, उसने कहा कि क्या तुम कुछ नहीं लेने वाले हो। नो आई नेवर ईट एस्पैरेगस। अब ऑथर कहते हैं कि नहीं, मैं एस्पैरेगस नहीं खाता हूँ। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, द फेस इज यू रून योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट। अब वो कहते हैं कि हाँ, मैं इस तरह के लोगों को जानती हूँ जो हु डोंट लाइक देम, जिसको ये पसंद नहीं है, बट फैक्ट ये है कि तुमने तो मीट खाकर, पैलेट मीन्स पैलेट यहाँ पे टेस्ट की बात की गई है, बट पैलेट होता है माउथ के ऊपर वाले हिस्से को हम पैलेट कहते हैं। बट वो कहते हैं कि तुमने तो अपना टेस्ट पहले ही मीट खाकर ख़राब कर लिया है। वी वेटेड फॉर द एस्पैरेगस टू बी कुक्ड। अभी वो वेट कर रहे थे एस्पैरेगस के आने के लिए, पकने के लिए। पैनिक सीज्ड मी, इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। वो कहते हैं कि अब पैनिक सीज्ड मी, यानी कि अब वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। पैनिक होता है दुख, दुखी होना, परेशान होना। अब क्वेश्चन उनके आगे क्या है? अब क्वेश्चन उनके आगे ये नहीं है कि बिल कम या ज़्यादा का आएगा। अब क्वेश्चन उनके पास ये है कि उनके पास केवल 80 फ्रेंक्स हैं, और वो बिल को कैसे पे करेंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि वो किस तरह के डिफरेंट तरीके सोचते हैं कि किस तरह से वो बिल पे करें। ओके, वी वेटेड फॉर द एस्पैरेगस टू बी कुक्ड, पैनिक सीज्ड मी, इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, बट whether I had enough to pay the bill, it would not mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. I could not bring myself to do that. I knew exactly how much I had, and if the bill came to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been paid. Of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. अब वो क्या इसमें सोचते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये तो mortifying, mortifying होता है humiliating, बहुत ही ह्यूमिलिएट कर देने वाला, परेशान कर देने वाला बात होगी कि उसके पास में भी 10 फ्रेंक्स कम पड़े, पर वो अपने गेस्ट से 10 फ्रेंक्स के लिए पूछे। तो वो कहते हैं कि ये भी बहुत ही शर्म की बात होगी, तो इसलिए वो नहीं पूछ सकते। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको अपने आप कुछ करता हूँ। फिर वो कहते हैं कि एग्जैक्टली मुझे, आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, कितना मेरे पास है और कितना बिल जो है ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। अब वो कहते हैं मैंने अपना माइंड बनाया कि मैं क्या करूँगा, मैं अपना हैंड अपने पॉकेट में डालूँगा और एक बहुत ड्रामेटिक वे में चिल्लाना शुरू करूँगा कि मेरे पैसे जो हैं वो पिक कर लिए गए हैं, यानी कि चोरी हो गए हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आई वुड बी, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, एक ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, इफ़ इट वुड बी ऑकवर्ड होगा, और यदि उसके पास भी बिल पे करने के पैसे नहीं होंगे तब क्या करेंगे। अब ये जो सेंटेंस है आपका, देखिए फर्स्ट में वुड बी है और सेकेंड जो क्लोज है इसमें हैड नॉट है, तो ये आपका कंडीशनल टू सेंटेंस है, ओके। और कंडीशनल टू हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे मीन्स ऐसी अनट्रूथफुल जो चीज़ें हैं वो हम इमेजिन करें, जो ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है,
उस तरह की चीज़ों को इमेजिन करें, तब हम कंडीशनल टू यूज़ करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, यदि ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वॉच वहाँ पर छोड़ दूँगा और उन्हें कह दूँगा कि मैं इसको बाद में बिल पे करके और अपनी वॉच ले जाऊँगा। ठीक है, देन द एस्पैरेगस अपीयर्ड। अब एस्पैरेगस आ जाते हैं। दे वर एनॉर्मस, वो बहुत बड़े हैं। सक्यूलेंट मीन्स जूसी हैं। एंड एपेटाइजिंग, बहुत ही एपेटाइजिंग है, बहुत टेस्टी दिख रहे हैं। द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर टिकल्ड माई नोस्ट्रल्स। अब वो कहते हैं उसके ऊपर जो बटर मेल्ट हुआ है उसकी स्मेल मेरे नोस्ट्रल्स को टिकल कर रही है, जा रही है अंदर। बट ऑल आई कुड डू वॉज टू वॉच माई गेस्ट थर्स्ट देम डाउन इन द लार्ज माउथफुल्स। एट लास्ट शी फिनिश्ड। वो कहते हैं क्योंकि उन्हें मना कर दिया था कि मैं एस्पैरेगस नहीं खाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, पर उनके मुँह में पानी आ रहा है देखकर। पर वो क्या कहते हैं कि मैं खा नहीं सकता हूँ, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं केवल अपने गेस्ट को वो खाते हुए देख सकता हूँ जब तक कि वो फिनिश नहीं कर देती हैं। कॉफ़ी, आई सेड। अब वो फिनिश होने के बाद वो पूछते हैं कॉफ़ी, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए। यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, शी आंसर। अब उसका आंसर फिर डबल होता है कि हाँ, कॉफ़ी और आइसक्रीम, कॉफ़ी लूँगी बट आइसक्रीम के साथ। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ। अब वो कहते हैं पास्ट केयरिंग का मतलब है कि अब मैंने केयर करनी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें ये तो था कि अब बिल ज़्यादा का आने वाला है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मैं भी पास्ट केयरिंग हो गया कि ठीक है, अब देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। अब वो कहते हैं कि इसलिए मैंने अपने लिए भी कॉफ़ी और उसके लिए कॉफ़ी और आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। आई नो देयर्स वन थिंग आई थोरली बिलीव इन, शी सेड, एंड शी एट आइसक्रीम। One should always get up from a meal feeling one could eat a little more. अब वो कहती हैं कि एक चीज़ है जिसमें मैं बिलीव करती हूँ कि, अब वो कहती है कि भी शी एट आइसक्रीम, अब वो आइसक्रीम उसने खाई। One should always get up, कि कोई भी मील जो है, मतलब उसके कहने का मतलब है कि कोई भी मील जो है वो किसी आइसक्रीम के बिना पूरा नहीं होता, तब तक हमें मतलब जो स्टमक को फिल करने की फीलिंग है वो नहीं आती। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली। अब उन्होंने धीरे से पूछा, उन्होंने आश्चर्य भी होता है, अरे इतना खा लिया आप और कितना खाएगी। तो वो पूछते हैं स्लाइटली कि क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है। ओ नो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचन, आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू। ओह आई सी। अब वो फिर से उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एंड इट्स अ फनी, इट्स अ आयरनी सिचुएशन कि आप कह कुछ हो रहे हैं और कर कुछ हो रहे हैं, एक अपोजिट थिंग्स आप कर रहे हैं। यहाँ पर वही, इतना कुछ खाने के बाद भी उसका स्टेटमेंट क्या है कि मैं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं लंच नहीं खाती हूँ, केवल मॉर्निंग में एक कप कॉफ़ी लेती हूँ और उसके बाद सीधा डिनर ही लेती हूँ, मैं लंच में मतलब कुछ नहीं लेती हूँ, बस केवल कभी एक चीज़ ही मैं खा लेती हूँ, मैं तो केवल तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। देन अ हॉरिबल थिंग हैपेंड, वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी द हेड वेटर केम अप to us bearing a large basket full of used peaches. They had the blush of an innocent girl. They had the rich tone of an Italian landscape. But surely peaches were not in season then. Lord knew what they caused. I knew too. I little later, for my guest going on with her conversation, absent-mindedly took one. अब क्या हुआ? कहते हैं कि एक और टेरिबल थिंग, भयानक थिंग घटित हुई, क्या कि जो वेटर है वो एक बास्केट दैट इज़ फुल ऑफ पीचेस, जिसमें पीचेस भरे हुए थे, पीचेस होते हैं आड़ू, अब वो कैसे थे, वो इटेलियन थे, बहुत फ्रेश ही अभी आए थे और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, जिसको कि उन्होंने बताया है ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, कि इनोसेंट गर्ल की तरह वो ब्लश कर रहे थे, यानी कि बहुत ब्यूटीफुल
पीचेस थे, ठीक है, फ्रेश थे। तो और बातें करते करते उस लेडी ने देखा उसको और एक जो है वो उठा लिया, ठीक है। यू सी यू हैव फिल्ड माई स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप एंड यू कांट ईट मोर एनी मोर, बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शिल इन्जॉय अ पीच। अब वो क्या कहती है कि अब वो थोड़ी मतलब उसको भी लग रहा है कि इतना ज़्यादा हो गया है, बट फिर भी वो इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही है। वो क्या सफाई देती है कि हाँ अभी तुमने तो अपना स्टमक जो है वो मीट खा कर भर लिया है, ठीक है। और अब वो मतलब ऑथर सोचता है माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, कि एक जो बेचारा एक लिटिल चॉप ही मैंने खाया है उसमें भी ये ऐसा कह रही है। एंड और उसने कहा कि एंड यू कांट ईट एनी मोर, कि तुम और कुछ नहीं खा सकती। मतलब अब वो कहती है कि ये जो बीच का जो डिस्क्रिप्शन है ये ऑथर का है कि माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, उसके बाद उसकी लेडी की जो बात है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम दोनों डैशेस में बीच में लगाकर हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है। सो अब वो कहती है कि और तुम तो कुछ खा नहीं सकते क्योंकि तुमने अपना जो मटन चॉप है उससे अपने पेट को फिल कर लिया है, भर लिया है, पर मैं एक स्नैक्स तो मैं ज़रूर लूँगी और इस पीच को इन्जॉय करूँगी। अब ये उसका स्नैक्स है पीच, ओके। देन यू सी दैट वी हैव डन द बिल केम, अब बिल आ जाता है। एंड व्हेन आई पेड इट, और जब वो उसको पेड करते हैं, आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। अब वो कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब इनएडिक्वेट टिप के लिए उसके पास पैसा बच जाता है, यानी कि उनकी थोड़ी इज्जत बच जाती है, और वो वहाँ बिल जो है वो भर देते हैं, पे कर देते हैं, और थोड़ा सा टिप के लिए भी पैसा बच जाता है, बट दैट इज़ नॉट सफिशियंट फॉर द टिप, ओके। हर आईज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट फॉर द 3 francs, यानी 3 francs उसके पास बचते हैं, ठीक है। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, जो उन्होंने लेफ्ट वेटर के लिए छोड़े। अब वो लेडी जब वो 3 francs छोड़ता है वेटर के लिए, तो लेडी उसको बहुत घूर के देख रही होती है, उसको लगता है कि भाई टिप में केवल इतने से ही देगा। एंड आई न्यू दैट शी टोट दी शी थॉट मी मीन, अब वो ये सोच रही है, ये क्या सोच रही है वो वेटर जानते हैं। बट वेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। पर वो कहते हैं जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो मुझे पता था कि आगे आने वाले मंथ में क्या होने वाला है, उनके पास एक पेनी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है उनके पॉकेट में आने वाले मंथ को मैं स्पेंड करने के लिए, ठीक है। सो फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सेड एज वी शुक हैंड्स एंड नेवर ईट मोर देन 1 thing फॉर लंचन। और फिर वो कहती है कि मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो। वो हाथ जब वो डिपार्ट करते हैं, जाते हैं, अलग होते हैं, तब वो हाथ मिलाते हुए वो लेडी उसको कहती है कि मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो और लंच में केवल एक ही चीज़ खाओ, ठीक है। ये आयरनी पॉइंट्स हैं, मीन्स फनी पॉइंट्स हैं। और कई बार ये क्वेश्चंस भी आता है कि लेसन के अंदर कहाँ कहाँ पर आयरनी सिचुएशन है, आयरनिकल स्टेटमेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं इस लेसन में। तो जहाँ पर भी ये आयरनिकल है, मीन्स डबल बात कही गई है, जहाँ पर वो कर कुछ रही है, कह कुछ रही है, तो वो सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आयरनिकल हैं, और इस वे में भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है। सो आपको वो सारी अंडरलाइन करके वहाँ पर उनको नोट डाउन करना है। आई डू बेटर देन दैट आई रिटॉर्टेड, आई ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट। अब वो कहते हैं कि मैंने उसको हाँ कहा कि आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है मैं अपने आप को बेटर करूँगा और आज रात मैं डिनर नहीं लूँगा। ह्यूमरिस्ट शी क्राइड गैली जंपिंग इनटू कैब, और वो हंसते हुए कैब में बैठते हुए वो बोलती है ह्यूमरिस्ट, यानी कि तुम मजाक कर रहे हो, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, कि तुम तो बहुत मजाक किया हो।
But I have had my revenge at last. Today she weighs 21 stones. अब वो कहते हैं कि मैंने अपना रिवेंज ले लिया है. रिवेंज होता है बदला. वो कहते हैं मैंने अपना रिवेंज ले लिया है क्योंकि आज वो कितनी है, आज उसका वेट 21 स्टोन है. और स्टोन क्या होता है, स्टोन वहाँ जैसे हमारे यहाँ पे किलोग्राम्स हैं तो वहाँ पर वेट की यूनिट है स्टोन्स. और वन स्टोन इक्वल टू 6.35 kg, यानी अप्रॉक्सीमेट 6.5 आप कह लीजिए, 6.5 kg जो है वो वन स्टोन के इक्वल होता है. तो यदि हम उसका वेट काउंट करें 21 स्टोन, तो उसका वेट अब अप्रॉक्सीमेट 134 अराउंड ऑफ इतना वेट उसका हो चुका है. और यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट लेडी इन दिस पिक्चर. ओके, आई नीड नॉट टू टेल यू कि ऑथर किस लेडी की, किस फैट लेडी की बात कर रहे हैं. तो अब वो अपने प्रेजेंट टाइम में आ गए हैं जब वो प्ले देख रहे थे. ठीक है, अब उस लेडी को देख के वो एक बार तो बहुत खुश होते हैं कि हाँ इसने पूरा मतलब एक महीना मेरा ख़राब किया. जो मेरा महीने का पूरा सेविंग्स था वो उसने एक लंच में लगवा दिया. तो ठीक है, इसकी जो हैबिट थी उससे एक बदला मेरा पूरा हुआ है कि आज वो 134 kg की हो गई है, यानी इतनी फैटी, इतनी मोटी हो गई है. ठीक है, तो यहाँ पे उसके ये कहने का मतलब कि आई हैड माई रिवेंज एट लास्ट, कि मैंने एट लास्ट अपना रिवेंज ले लिया है. उसका कहने का मतलब यही है कि अभी इतने 20 years में वो इतनी मोटी और बहुत ज़्यादा वेट उसका हो गया है. ठीक है, फैटी और बहुत ही ज़्यादा वेट उसका हो गया है, 134 kg की वो हो गई है. इसीलिए वो कहते हैं आई हैव टेकन माई रिवेंज. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू स्टूडेंट्स.